तो भाई आजकल चलान वलान बहुत हो रहे हैं, और रिसेंटली मैंने सुना कि 23,000 रुपये का चलान हुआ एक स्कूटी का गुड़गांव के अंदर। तो भाई अब एक आर्नी ज्ञान जो आजकल हमने शुरू किया है विद कोलैबोरेशन ऑफ इन्वेस्ट याज्ञ, भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया हूँ। लॉन दिख रहा है, चारों तरफ बहुत सारी ग्रीनरी दिख रही है। तो ग्रीनरी दिस साइड, ग्रीनरी यहाँ पे, इस साइड भी कंप्लीट ग्रीनरी। इंडियन फ्लैग लहराता हुआ जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और हमेशा लहराता हुआ अच्छा ही लगता है। और यहाँ पे एक क्यूट से मेरे दोस्त, ये रे भाई, भाई भाई, हाँ अच्छा आज नहीं प्यारी करनी, नहीं भाई आज प्यार नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आज मैं खाना नीचे नहीं लेके आया हूँ इनका, तो इनको मैं डेली खाना खिलाता हूँ। शाम को ये मेरे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, क्योंकि वो टाइम होता है खाना खिलाने का। तो इस टाइम शाम नहीं हो रही, आज मैंने बाई चांस घड़ी नहीं पहनी हुई, भूल गया, और कुछ स्पेशल आया हुआ। इसकी शेप एंड साइज से काफ़ी लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। प्लस ये एक और अपग्रेड, तो इसको भी अनबॉक्स करते हैं, फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और प्रोडक्ट दिखाते हैं। तो गाइस ये आ गया वाइज़र, और वाइज़र के अंदर आपको दिख रहे होंगे आशीष मौर्य, टीम टर्बो एक्सट्रीम। तो ये मेरे हेलमेट से मैच करता हुआ, और काफ़ी टाइम से एक ऐसा वाइज़र लगाना था मुझे जो डिफरेंट हो। ब्लैक पहले लगाया था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो सिल्वर वाइज़र, क्योंकि मेरे हेलमेट का वाइज़र भी सिल्वर है। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट हाँ आप लोगों को कैमरे से कम रोड थोड़ी सी नज़र आ जाएगी। तो ये रहा दूसरा आइटम, और इसको भी खोलते हैं जल्दी से। तो ये एक मोबाइल होल्डर जिसको मैंने मंगवाया है ग्रैंड पिट स्टॉप से, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। वायरिंग ये रही, यहाँ पे ये एक डिफरेंट तरह का कुछ सॉकेट, प्लस ये बहुत सारे इसके कनेक्टर्स, तो मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे लगेगा, बट उन्होंने कहा था कि हायाबूसा पे लगता है, उन्होंने पहले लगाया हुआ है। प्लस ये एक इसकी डेटा केबल है, तो डेटा केबल थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड हाँ पता नहीं, कुछ देखते हैं अभी, मतलब कुछ और कर लेंगे। प्लस एक ये, और ये भी मुझे नहीं पता क्या है, और ये दो वायर लॉक, तो ऑल इन ऑल डब्बे में ही आया। किसी ने मेरी बाइक गिरा भी दी थी, वो भी दिखाता हूँ कि क्या किया किसी ने। सो गाइस एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा कचरा जो हमने फैलाया है इनको हमें फेंकना चाहिए प्रॉपरली डस्टबिन में। चलो इसको मैं बाद में करूँगा, क्योंकि अभी इसको रखने की कोई जगह चाहिए होती है। अब ये देखो, ये किसी ने फेंका हुआ है, एंड दिस इज़ वेरी बैड, प्लीज़ ऐसा मत किया करो, दिस इज़ अ पब्लिक पार्क, नहीं करना चाहिए। ये निशान दिख रहा है, ये खतरनाक सा, तो ये निशान, यहाँ पे हरकतें हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कवर को बचाने के लिए एक कवर लगाया हुआ है इस पर, एंड ये कवर मैंने ख़रीदा था, परचेज किया था, ये कवर ख़राब ना हो इसके लिए मैं ऊपर से कवर चढ़ा के रखता हूँ। और लास्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि किसी ने ये फाड़ दिया है, भाई ऐसी हरकतें मत करो प्लीज़। और फाड़ना तो चलो एक दूसरी की बात है, एक दिन मैंने बाइक, क्योंकि बाइक जब भी मैं लेके आता हूँ राइड से, तो खड़ी करनी पड़ती है, खड़ी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि गर्म होती है, तो ठंडी होने से पहले मैं कवर नहीं चढ़ा सकता, और पहले ठंडा करना पड़ता है, 2-3 घंटे के लिए मुझे छोड़ना पड़ता है, और 2-3 घंटे में किसी ने बाइक यहाँ पे गिराई दी। अब क्यों, व्हाई? सो गाइस ये निशान दिख रहा है, ये वाला, ये किसी ने बाइक गिराई है, और ये यहाँ पे ये रबर दिख रहा होगा,
ये पूरा फट गया है। सो गाइस जो भी ये कर रहा है प्लीज़ मत करो, किसी को लग भी सकती है, बाइक बहुत हैवी है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 250 kgs, आपका पैर भी बीच में आ सकता था, अगर बाइक गिरती तो पैर में भी इंजरी हो सकती थी, बाइक को भी नुकसान हो सकता है, फेयरिंग टूट सकता है, कुछ और भी नुकसान हो सकता है। मेरे ख्याल से ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा, सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है। तो ये आ गया अपना टूल किट और खोलते हैं फटाफट से वाइजर। तो गाइस ये सिर्फ दो नट्स पे ही कसा हुआ होता है और बस इसको दो नट निकालो और ये आ गया वाइजर बाहर। तो ये आ गया नया वाइजर और ये लगाते हैं। कैसा लग रहा है ये लगा हुआ बताना मुझे। अभी कुछ एक पिक्चर्स क्लिक करते हैं, अटैच कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये दिखने में कैसा लग रहा है। तो भाई इसको हर तरीके से रखने की कोशिश कर ली। इसको मंगाने से पहले मैंने उनसे काफ़ी बार पूछा कि ये हायाबूसा पे लगता है या नहीं लगता है। उन्होंने मेरे को हर बार यही कहा कि हाँ लगता है। तो एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि कहाँ लगता है, बट अगर वहाँ लगता भी है तो ये किसी काम का नहीं है। तो आई एम रिटर्निंग दिस प्रोडक्ट टू ग्रैंड पिट स्टॉप और मैंने उनको भी कॉल भी किया तो बाई चांस उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, हो सकता बिजी होंगे। बट अब मैं वेट नहीं कर सकता कॉल का और वीडियो को होल्ड नहीं कर सकता, तो इसको अभी अपन वापस भेजेंगे या उनके कॉल का वेट करेंगे। तो अगर ये बाइक पर लगता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में लगा के दिखा दूँगा, बट अभी स्टिल फिर भी समझा देता हूँ कि ये ऐसे है और ये रिंग है। तो ओ रिंग लगाने की इसमें कहीं भी जगह नहीं होती। अगर इस गैप की बात करें तो इतने से गैप में नहीं रख सकता, और मैं इस गैप में अगर घुसा भी देता हूँ तो जैसे ही हम हैंडल मोड़ेंगे ये वाइज़र पे यहाँ टच हो जाएगा मोबाइल, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो ये यहाँ तो लग ही नहीं सकता, सुपर बाइक्स में हमेशा यहाँ लगने के लिए आता है मोबाइल, मैंने देखा है इंटरनेशनल पे, तो वो यहाँ लग जाता है ऐसे और यहाँ मोबाइल अटैच हो जाता है। या फिर एक और मोबाइल होल्डर मैंने देखा है जो इस तीन नट्स पे लगता है, तो यहाँ से एक रिंग आती है ऐसे और यहाँ लगता है मोबाइल। तो ये वाला प्रोडक्ट मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी काम का है। सो गाइज ये लग गया इसका वाइज़र और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ओके लग रहा है। बाकी हेलमेट वेलमेट गियर पहन के जब इसको करेंगे चलाएंगे तब पता लगेगा कि कैसा लग रहा है ये, बट अभी मुझे ओके लग रहा है। मुझे रेड ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहले जो लगा हुआ था। देखते हैं एक आध राइड पे लेके चलते हैं, पैसे खर्च किए हैं तो बनता है लेके चलना। एनीवेज मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से बिना हेलमेट के, वैसे मैं बिना गियर और बिना हेलमेट के चलाता नहीं हूँ, बट देखते हैं। आजकल चलान वलान बहुत हो रहे हैं और देखते हैं कोई चलान होता है या नहीं होता है। तो भाई आजकल चलान वलान बहुत हो रहे हैं और रिसेंटली मैंने सुना कि 23,000 रुपये का चलान हुआ एक स्कूटी का गुड़गांव के अंदर। भाई 23,000 का स्कूटी का जिसका चलान हुआ वो उस बेचारे की स्कूटी की वैल्यू भी 23,000 रुपये नहीं थी। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है और कहीं ना कहीं ये बेटरमेंट के लिए, पर स्टिल इतना बड़ा चलान बेचारे इतने से स्कूटी वाले का कर दिया। खैर ऑल दो मुझे नहीं पता बैकग्राउंड स्टोरी क्या है कि ये न्यूज़ सच है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्कूटी वाले ने कुछ ना कुछ ऐसी बदतमीजी तो ज़रूर की होगी, नहीं तो पुलिस वाले नॉर्मली पकड़ते हैं और आपको थ्रेटन करते हैं, मतलब आपको डराते हैं और डराने के बाद 500,000 रुपये का चलान काट देते हैं ताकि आप डर जाओ। पर कभी भी इतना बड़ा चलान मैंने कटते हुए नहीं सुना है। और एक और चलान मैंने सुना, पता नहीं किसका हुआ है, वो भी अभी वायरल हो रहा है। तो अभी क्या चलान चलान चल रहा है, हर कोई मतलब चलान की बातें कर रहा है। तो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है कि ये चीज़ें बढ़ा रही हैं ताकि लोगों को डर आए। जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव का 10,000 रुपीज़ का है, तो 10,000 रुपीज़ एक बड़ा अमाउंट होता है एंड लोग अच्छी बात है कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करेंगे, कम से कम इसी डर से कि 10,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। बट एक चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट करूँगा कि
जो पॉट होल्स होते हैं, जो रोड खराब होती हैं और उनकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उन पे गवर्नमेंट क्यों कोई एक्शन नहीं लेती? जैसे मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, मेरी हायाबूसा का जो लास्ट एक्सीडेंट हुआ था वो इसी रीज़न से हुआ था कि आई वॉज टर्निंग पहले राइट एंड देन एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट लेते ही रोड बिल्कुल ख़राब थी और बाइक में लीन नहीं कर सकता था क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने स्ट्रेट की और स्ट्रेट की वो रोड टर्न हो रही थी और मैं जाके डिवाइडर पर टकरा गया। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या कहना चाहेगी, आई रियली डोंट नो, बट प्लीज़ कुछ करो। अगर आप स्ट्रिक्टनेस बढ़ा रहे हो, आप टोल टैक्स ले रहे हो, आप चलान कर रहे हो, तो रोड्स को भी उतना ही इम्प्रूव करो तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे दिल्ली की रोड्स तो खास करके कोई भी रोड फ्लैट है ही नहीं। अगर आप 60, 70, 80 की स्पीड पे कार भी चलाते हो तो कार भी ऐसे बाउंस होती हुई चलती है हमेशा। तो आई डोंट नो क्या है ये। तो भाई कुछ कर लो, हम भी सुधरना चाहते हैं, बट आप लोग भी सुधरो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो भाई अब एक आर्नी ज्ञान जो आजकल हमने शुरू किया है विद कोलैबोरेशन ऑफ इन्वेस्ट याज्ञा। तो इन्वेस्ट याज्ञा एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली बहुत कुछ बताती है कि आपको फ्यूचर में कैसे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। आप जो भी पैसा कहीं लगा रहे हो वो सही लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं ये पेड कर रहा हूँ, तो चलो मान लो मैं पेड भी कर रहा हूँ बट मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो मैंने जैसे ITR रिटर्न का पहले उठाया था सब्जेक्ट कि ITR रिटर्न आप भरो अगर आपको फ्यूचर में वाकई में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। आप कुछ फ्यूचर में सोच रहे हो, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, तो आपको सबसे पहले ITR रिटर्न चाहिए। क्योंकि अगर आपकी रिटर्न स्ट्रांग नहीं है तो आपको बैंक सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको बैंक सपोर्ट नहीं करेगा तो आपके फंड्स कहाँ से आएंगे। तो ऐसे ही अब एक आज नया सब्जेक्ट उठा रहा हूँ, तो बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, बड़ा कॉमन सब्जेक्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो जैसे मुझे पहले नहीं पता था, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है। मेरी हेल्थ इंश्योरेंस है 10 लाख रुपए की। और जब मैंने उनसे ये डिस्कस किया तो कुछ मजाक सा हो गया। तो मजाक ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि 10 लाख रुपए का जो आपने इंश्योरेंस कराया है उससे पहले आपने हेल्थ चेकअप कराया था? तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे 10 लाख रुपए का अगर एक प्रीमियम होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो उसका प्रीमियम होता है 10 लाख रुपए का करीब 12,000 रुपए के आसपास। और 12,000 रुपए के अंदर अगर हम एक मेडिकल टेस्ट कराने के 2,500 रुपए लगते हैं जो वो कहते हैं रिकमेंडेड होता है, तो क्या हमने वो 2,500 रुपए पे किए? तो नॉर्मली मैक्सिमम लोग जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं वो 2,500 रुपए नहीं पे करते, और एजेंट को ये बोलते हैं कि यार मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, क्या ज़रूरत है एक ये मेडिकल टेस्ट कराने की। तो इस पे उन्होंने बड़ा भयंकर मजाक उड़ाया कि बाई चांस कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स बहुत टाइम से आपके बॉडी में पल रहा होता है और एकदम से वो पेन स्टार्ट होता है। स्टोन, तो स्टोन भी कोई एकदम से नहीं होता, एक दिन अचानक आपके कहीं ना कहीं पेन होता है एंड बाद में आप जब उसको टेस्ट कराते हो तो पता लगता है वो स्टोन है। तो उस टाइम पे अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि ये तो पहले से आपकी बॉडी में, तो आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, हर साल चाहे उसको रिन्यू कराएं, तो कंपनी वालों को ये कहें कि भाई मेरा टेस्ट कर ले, मैं आई एम वेरी फिट, मेरा टेस्ट कर लो, और अगर कुछ भी होता है तो एटलीस्ट मैं आपके जिम्मे हूँ। नहीं तो वो क्या है कि आपसे पैसा ले रहे हैं, और ये मत सोचो कभी भी कि वो आपसे पैसा ले रहे हैं तो आपको कभी रिटर्न करने के लिए वो हेल्दी या बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, उनको पैसा देने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी हमेशा। तो अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी करानी हो तो इन्वेस्ट याज्ञा एक ऐसी कंपनी है जो बहुत छोटे छोटे पैसे लेके आपको गाइड करती है कि आपको क्या करना चाहिए। तो वो ये नहीं कहेंगे कि किस कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस करो, पर वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि आपको कितने का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपकी एज के हिसाब से, आपकी सिटी के हिसाब से। तो 99 रुपीज़ की एक बुक है उनकी, 99 रुपीज़ मेरे ख्याल से कुछ नहीं होते। जब हम 12,000 रुपये खर्च कर रहे होते हैं तो 99 रुपये भी खर्च कर सकते हैं। तो आई बिलीव ये हमें 99 रुपये की एक बुक लेके पढ़ लेना चाहिए। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स हैं, ITR रिटर्न के लिए जैसे मैंने पहले उनसे फ्री करवा लिया था तो उन्होंने बड़ी हेल्प की इसके अंदर कि वो सारा, उन्होंने जो लिंक्स थे, बुक्स थी, वो सब फ्री कर दी थी। तो गाइज मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स करने हैं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स करना है, आपको FDs करानी है, तो बहुत सस्ते सस्ते इनके कुछ एक चीज़ें हैं, आप वो साइट पे जाके चेक कर सकते हो और उनको परचेस कर सकते हो। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बुक 99 रुपीज़ की है तो आई डोंट थिंक कि 99 रुपीज़ कुछ भी होते हैं अगर आपको 12-13 हज़ार रुपये खर्च करने हैं। तो 99 रुपये में आपको अगर एक बिल्कुल क्लियर एक आपको एडवाइस मिल रही है
कि आपको कैसे लेनी चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, तो इट्स अ गुड थिंग। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका नहीं है तो करवा के रखें, बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और करा के रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल टर्म्स जो हैं वो बहुत ही कमर्शियल हो गई हैं, बहुत महंगी हो गई हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा करा के रखो, और कराने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें समझनी हैं और क्या क्या समझनी चाहिए उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ चुका है, वो लिंक भी आप देख सकते हो। एक यूट्यूब वीडियो भी उनका है, वो उसका भी लिंक दे रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो हो गया थोड़ा सा लंबा और इसको अभी ख़त्म करते हैं यहीं पर ही। तो आई विश अपनी वायरल का अभी चलान नहीं हो। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि चलान होता नहीं है क्या, कि लाउड बाइक है तो चलान होता नहीं है कि, तो हाँ भाई चलान होता है, 2-3 बार हो भी चुका है मेरी बाइक का चलान। बट अगर उसको हम साइलेंट कर देंगे तो वो वायलेंट नहीं रह जाएगी, और मुझे वो वायलेंट ही पसंद है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। लव यू फैमिली।